हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विराट कोहली जो अपनी कैप्टनसी है उससे इस्तीफा देने वाले हैं 2021 जो वर्ल्ड कप T20 होने वाला है उसके बाद ODI और T20 में न्यू कैप्टन जो हमारे हैं रोहित शर्मा बनने वाले हैं। लेकिन जो अभी की एक और अपडेट आ रही है जिसमें कि बताया जा रहा है, एक खुलासा हुआ है कि विराट कोहली उन्होंने एक सिलेक्टर्स के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा को जो वो वाइस कैप्टन है ODI में उनको हटा देना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वो 34 ईयर्स के हो चुके हैं, तो अब उनको वाइस कैप्टनशिप से ODI से हटा देना चाहिए। और जो न्यू कैप्टन है, आपको बता दें वाइस कैप्टन बनाने के लिए विराट कोहली ने नाम दिया, वो है KL राहुल। राहुल को उन्होंने कहा है, राहुल और ऋषभ पंत दोनों एक साथ मिलकर वाइस कैप्टनसी ODI की संभालें और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। और लेकिन इस पर बोर्ड ने यह कहा है कि विराट कोहली इसमें अपनी 2023 तक अपनी कैप्टनसी को सेफ करने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। तो लेकिन BCCI ने अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं दिया है, बस उन्होंने बस रिपोर्ट बताया कि ऐसा विराट कोहली प्रपोजल लेके आए हैं सिलेक्टर्स के सामने। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।